शाह अजीम, आज जुमा है, जुमा मुबारक। तो आज मैं अपने किचन में चने की दाल पराठे के साथ, रोटी के साथ खाने वाली आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके साथ। तो देखें किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत है, बहुत मज़े की बनती है ये। आप मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई करें। तो चलिए मैं बताऊँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। कुछ मसाले हैं ये, इसमें से मैं डालूँगी अभी इसमें आपके सामने, में डालूँगी पिसी मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी। बाकी कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 7 से 8 लौंग हैं, 10-12 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची हैं, और बाकी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो कि मैंने इस तरीके से इसको काट लिए हैं। तो व्यूअर्स चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, इस तरीके से आपको मज़ीद वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। तो व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट से मैंने इस चने की दाल को धो के भिगोया हुआ था, अब मैंने इसको बॉयल पानी में इसको डाल दिया है। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अब मैं कुछ मसाले डालूँगी। 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम पीसी मिर्च मैं इसमें डालूँगी, 1 टेबल स्पून से कम थोड़ी सी कुटी मिर्ची यानी कि हाफ हाफ, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालूँगी, 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद आप उतना शामिल करें। कुछ ये खड़े मसाले हैं वो डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डालूँगी इस टाइम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं इसके उबलने तक के पकाऊंगी, 15 से 20 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम पे मैं इसको पकाऊंगी, इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है दाल। और 20 मिनट हो चुके हैं तो ये मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम पे इसको पकाया था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मैंने दाल घोटनी से इसको घोट लिया था। आप लोग के पास टाइम ज़्यादा हो तो आप लोग 1 से 2 घंटे आप इसको बिल्कुल हल्की आँच पर पकाएँ, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है बगैर दाल घोटनी घोटने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 ये हरी मिर्चें मैं इसमें इस टाइम डालूँगी, और इस तरफ मैं आपको भगार का दिखा देती हूँ। मैं इसमें भगार लगाने जा रही हूँ, तो मैंने लो टू मीडियम पे पैन रख दिया है। 2 डोंगी मैं कुकिंग ऑयल लूँगी, आप इसको घी में भी भगार कर सकते हैं, बहुत अच्छा उससे फ्लेवर आता है, लेकिन मुझे कुकिंग ऑयल पसंद है तो मैं कुकिंग ऑयल से ही करूँगी। तीन से चार मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी जिसको मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया है, तो इसी के साथ मैं 1/2 टेबल स्पून जीरा डालूंगी इसके अंदर। तो ऐसा गोल्डन सा ही इसको मुझे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो मैं इसको डालूंगी पतीली में। हाथों को बहुत बचा के करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसको 5 मिनट का दम दूंगी। 2 चुटकी मैं इसके अंदर ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डालूंगी, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इसके अंदर भगार लगा दिया है, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फाइनल तैयार हो चुकी है चने की दाल, बहुत मज़े की बनी है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, लाजमी बहुत अच्छी बनी है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, इस तरीके से आपको मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आयशा अजीम को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।